हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टॉपिक अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन प्रूडेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। देखो मैं आपको कन्वेंशन का ही मतलब बताती हूँ। कोई चीज़ जो सालों से चली आ रही है और वो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कहीं लॉ में लिखा हो कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट ही करनी है और आप नहीं करोगे तो आपको बहुत पनिशमेंट मिलेगा। आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ चली आ रही है कि हम अपने टीचर्स की, अपने से जो एल्डर्स हैं उनकी हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ है आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत टाइम से चलती हुई आ रही हैं और जो इन सब के द्वारा एक्सेप्टेबल भी हैं, सब लोग उसको मानते भी हैं और उसको करते भी हैं। तो एन अकाउंटिंग कन्वेंशंस मे बी डिफाइंड एज अ कस्टम, मतलब जो रीति रिवाज जैसे होते हैं, और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, और ये एक्सेप्टेबल भी है जिसको सब लोग अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, मानते भी हैं। ये लोग अग्रीमेंट करके भी अडॉप्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, या फिर कंसेंट, सबकी सहमति के साथ। तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है उसमें सबसे पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब ये कन्वेंशन क्या कहता है, ये बोलता है कि आप सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, उसको आप शो करोगे, लिखोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो भी मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन है, मॉनेटरी पैसे से रिलेटेड, वो आप शो करोगे। दिस प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड दैट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ इंटरप्राइज शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया मॉनेटरी, लाइक पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियल, उसको आप कम्प्लीटली डिस्क्लोज करोगे, मतलब शो करके दिखाओगे। नेक्स्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन प्रूडेंस। अब देखिए इस कन्वेंशन में क्या है कि जैसे आपको नुकसान है, ठीक है, आपको पता चल गया भाई मुझे इन फ्यूचर क्या होगा, नुकसान होगा, तो आप उस चीज़ को शो करोगे। और आपको पता चल गया कि मुझे इस चीज़ से आगे जाके क्या होगा, फ़ायदा होगा, बट आप उस चीज़ को शो नहीं करोगे। सीधी बात है, आपसे बोला कि तुम फेल हो सकते हो, तो आप उसके लिए पहले से एकदम कि मतलब प्रिपेयर हो जाओगे कि मुझे पढ़ना चाहिए, और आप अपना सब कुछ स्टार्ट कर दोगे पढ़ाई लिखाई। आपने उसके लिए एकदम से तुरंत एक्शन लिया, आपने उसके लिए प्रिकॉशन लिया और आपने स्टार्ट कर दी। और आपसे कोई बोल दे कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और तुम तो फर्स्ट आओगे, तो क्या आप उसके लिए अभी से मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दोगे, मैं तो फर्स्ट आ गया? नहीं ना, आप कहोगे हाँ जब मैं फर्स्ट आऊँगा तब मैं उसका रिस्पांस करूँगा, मैं सेलिब्रेट करूँगा। आप अभी से तो सेलिब्रेट करोगे नहीं, बट अगर कोई बोल रहा है कि आप फेल हो सकते हो, तो आप उसके लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे। तो बस वही चीज़, अगर आपको पता चल रहा है कि आपको नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर, तो आप उस चीज़ को नोट डाउन करोगे। अगर आपको पता चल गया कि मुझे इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा, तो आप उस चीज़ को नोट डाउन अभी नहीं करोगे, वो जब होगा हम तभी नोट डाउन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी एंटिसिपेटेड लॉस मैंने आपको बताया, जो आप मान रहे हो, उसको आप नोट डाउन करोगे, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। एंटिसिपेटेड लॉस, जैसे कोई किसी को हमें उधार पे पैसे दे दिया, हमें पता चल गया नहीं यार ये तो पैसे मार लेगा, ये नहीं देगा, तो हम उस चीज़ को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो यही थे आपके दो कन्वेंशंस, और जो रिमेनिंग कन्वेंशंस हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।